आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म के शुल्क को लेकर प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस मामले को लेकर बजरंग दल ने रजिस्ट्रार ब्रजेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म के शुल्क को लेकर गड़बड़ी कर रहा है। इस विषय को लेकर बजरंग दल के जिला संयोजक अंबुज पांडे ने रजिस्ट्रार ब्रजेश सिंह को ज्ञापन सौंपा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में प्राइवेट सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी थी, जिसके परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 8 दिसंबर थी और परीक्षा की प्रारंभ तारीख 13 दिसंबर थी। परीक्षा आरंभ होने के दो दिन पहले तक विशेष विलंब शुल्क का प्रावधान होता है, जिसमें जब प्राइवेट सेमेस्टर की परीक्षाएं 13 दिसंबर से प्रारंभ हो जाती हैं, इसके बाद अचानक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बिना किसी अधिसूचना के MP ऑनलाइन के पोर्टल को जो 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के साथ ओपन कर दिया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि जिन छात्रों का परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ और अति विलंब शुल्क के साथ भरा गया है, लेकिन उसके ठीक बाद जब बिना विलंब शुल्क के साथ पोर्टल ओपन कर दिया जाता है, तो विलंब शुल्क लेने का औचित्य क्या था? मामला ये था कि जो अभी हाल में विश्वविद्यालय के प्राइवेट सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं, तो उस परीक्षा में परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 8 थी, 8/12/2018, और परीक्षा की जो प्रारंभिक डेट थी, जब से परीक्षा शुरू होनी थी, वो डेट थी 13/12/2018। तो जब परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि समय होती है, तो उस तिथि के बाद परीक्षा शुरू होने के पहले की जो 20 में तारीखें होती हैं, उसमें विलंब शुल्क और अति विलंब शुल्क का प्रावधान होता है। तो 8 तारीख के बाद विश्वविद्यालय में प्राइवेट सेमेस्टर की परीक्षाओं में विलंब शुल्क के साथ 13 तारीख तक फॉर्म भरे गए। उसमें से इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए प्राइवेट जितने भी कॉलेज चलते हैं, सभी छात्रों ने विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरा। इसके बाद विश्वविद्यालय में अचानक 15 तारीख को एक नया नोटिफिकेशन तो नहीं आता, लेकिन वो MP ऑनलाइन की जो साइटें हैं, पोर्टल हैं, और जो विश्वविद्यालय में MP ऑनलाइन का साइट पोर्टल जो संभालते हैं, वहाँ से जानकारी मिली कि 15 तारीख को फिर से वो पोर्टल ओपन कर दिया गया है, और जबकि हमारी परीक्षाएं जो प्राइवेट की हैं वो 13 तारीख से शुरू हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर विलम्ब शुल्क का प्रावधान उसमें होना चाहिए था, मतलब 13 तारीख से जब परीक्षाएँ शुरू हो गई, तो 13 के बाद जो परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो उसमें अति विलंब शुल्क का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना होने पे जिन कॉलेजों के फॉर्म नहीं भरे गए थे, या कि जिन के यहाँ आला अधिकारियों से संबंध बने रहते हैं, तो पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि अचानक वो पोर्टल ओपन हुआ और बिना विलंब शुल्क साथ फॉर्म भरे गए। इस मामले में विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान लगता है। ऐसा क्या मामला हुआ जिसके कारण परीक्षा शुरू होने के बाद बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पोर्टल को ओपन करना पड़ा? इस मामले में जब मीडिया ने रजिस्ट्रार ब्रजेश सिंह से सवाल किया, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। यहां मामले की अगर जांच होती है, तो एक बड़ा परीक्षा घोटाला सामने आएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।